नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र भास्कर फिर से आपके सामने एक वीडियो के साथ। आज हमारे जो पिछले प्रश्न थे 424 नंबर तक हो गए थे, इससे आगे आज शुरू करते हैं। लगभग इसमें यह जो नदी और बांध का टॉपिक है, ये लगभग आ जाएगा, कवर हो जाएगा इसमें। ये मोस्ट प्रश्न है, इनके साथ में जो भी विश्लेषण किया जाता है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें और लगभग ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। आज 25 नंबर प्रश्न नंबर 425, राजस्थान के कौन से ज़िले में कोई नदी नहीं है? तो राजस्थान के कौन से ज़िले में एक भी नदी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर और चूरू में नहीं है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पांच रमांद कहाँ है? तो पांच रमांद करौली में है। इसकी विशेषता देख लेते हैं, ये बांध मिट्टी से बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र यही बांध है पांच रमांद, जो मिट्टी से बना हुआ बांध है। ये बांध गंभीर नदी की पांच सहायक नदियाँ भद्रावती, भैंसावर, ऊंटा और बरखेड़ा और मोची के संगम पर स्थित है, जो करौली में है। अगला प्रश्न देखते हैं 427, निम्न में से चंबल, बनास, बेड़ज, साबरमती, ये निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? ये चार जो नदियाँ इनमें से अरब सागर की तरफ, तो चंबल तो बहती नहीं, चंबल तो बंगाली खाड़ी में जाती है यमुना में मिल करके, बेड़ज बनास ही उधर ही जाती है, लेकिन साबरमती अरब सागर में आती है। जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ लूनी, माही, सोम, जाखम, पश्चिम बनास और साबरमती, ये तो आती हैं अरब सागर में, जबकि चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती ये बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, इनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। और जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं वो देख लेते हैं, घग्गर, कांतली, काकनी, साबी, मेंथा, रूपारेल, रूपनगढ़ आदि, ये जो नदियाँ हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? गंग नहर तो सतलज नदी से। अब सतलज नदी के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। यह गंग नहर फिरोजपुर पंजाब जिले के हुसैनीवाला के निकट सतलज नदी से निकली गई है। हुसैनीवाला से शिवपुर हेड श्रीगंगानगर तक मुख्य नहर की कुल लंबाई 129 है। बाद में इसको यह राजस्थान प्रवेश कर जाती है। 17 किलोमीटर राजस्थान में यह राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है। गंग नहर के बारे में बता रहे हैं। अगला प्रश्न है 429, नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिले में पेयजल आपूर्ति की जाती है? तो हमारे राजस्थान के जालौर और बाड़मेर में की जाती है, जबकि ये चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इनकी संयुक्त परियोजना है। गुजरात के सरदार सरोवर बांध 532 किलोमीटर लंबी नहर है, ये निकाली गई है। ये नहर राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर तहसील के सिल्लू गांव में प्रवेश करती है और तथा जालौर व बाड़मेर जिले में 233 गांवों को पेयजल आपूर्ति करती है, जिसमें फव्वारों की सिंचाई भी यहाँ प्रसिद्ध है। इस नहर में फव्वारों से सिंचाई की जाती है। और जो मेगा पाटकर का संबंध भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 430, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? तो राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1680 ईस्वी में कराया था। इस झील का निर्माण कौन सी नदी को गोमती नदी के पानी को रोककर एक बांध बनाया गया और वहाँ पर झील बनाई गई, जिसे राजसमंद झील के नाम से जानते हैं। इस झील के उत्तरी भाग में नौ चौकी
जहाँ पर संगमरमर से बने 25 विशाल शिलालेख हैं, जहाँ पर राज प्रशस्ति यानी मेवाड़ का इतिहास उन पर संस्कृत में लिखा हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 431। कोलाई झील स्थित है, तो कोलाई झील बीकानेर में स्थित है और यहीं पर कपिल मुनि का आश्रम भी है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं 432। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? देख लेते हैं, खारे पानी की झील देखते हैं पहले। सांबर है, डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरण सर, कावोद, रेवासा, पोखरण, ये तो खारे पानी की। मीठे पानी की पुष्कर, फाय सागर, राजसमंद, जयसमंद, कायलाना, नवलखा, गेब सागर, कोलायत, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, आना सागर, सिली शेट और गढ़शीसर जैसलमेर में है ये। तो प्रश्न था अपना, इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील, तो ये कायलाना झील मीठे पानी की है, बाकी तीन ऑप्शन में खारे पानी की दी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 433। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, तो अभी हमने देखा था उधर चंबल बनास है, तो इनका चंबल का पानी है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है यमुना नदी में मिलकर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 434। जैसमंद झील कहाँ स्थित है? तो जैसमंद झील उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराजा जय सिंह ने 1685 ईस्वी में गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया, जिसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा मोस्ट डेबर झील, जैसमंद झील को डेबर झील कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 435। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, का निर्माण किसने करवाया था? यह गंग नहर या नगर नहीं है, गंग नहर है, तो 1927 में गंगा सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 436। खारी नदी जिसका फतंत्र का अंग है, तो ये खारी नदी बंगाल की खाड़ी में ही जाती है चंबल में मिलकर के, उधर यमुना से होती हुई बंगाल खाड़ी स्वतंत्र की नदी है। अगला देखते हैं, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? ये झील मोती झील, ये मोती झील है, ये भरतपुर में है, भरतपुर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 438। यूरोपियन यूनियन ने राजस्थान की जल परियोजना हेतु नवीनीकरण राशि दी थी, तो ये थोड़ा सा करंट का प्रश्न है, उस टाइम दी थी 450 करोड़ रुपए, इस पर इतना जोर नहीं देने का, ये पुराना करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं 439। राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो लोनी का है सबसे बड़ा अपवाह, खूब चौड़ाई में ज़्यादा बहती है ये। इसके बाद इसके बारे में कुछ विश्लेषण है, ये जो लोनी नदी है वो अजमेर से निकलती है और अजमेर के नागपाड़ से, और जब ये अजमेर में जब नागपाड़ में बरसात खूब होती है तो बाढ़ है ना, वो बाढ़ अजमेर में नहीं आती, वो बाढ़ आती है बालोतरा में, बालोतरा जो बालोतरा कहाँ है बाड़मेर में, वहाँ बाढ़ आती है, बरसात होती है अजमेर में नागपाड़ में और बाढ़ आती है बालोतरा बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखते हैं 444। चूलिया जलप्रपात स्थित है, तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, 18 मीटर, और ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है 441। कौन सी झील खारे पानी की है? तो डीडवाना झील तो खारे पानी की है, और जो तीन ऑप्शन में दी हुई थी वो मीठे पानी की थी, लेकिन डीडवाना खारे पानी की झील है, जो मैंने पहले बता दिया है खारे और मीठे पानी की झीलों के बारे में। प्रश्न नंबर 442। बनास की सहायक नदी नहीं है, तो बनास की सहायक नदी बाणगंगा तो नहीं है, बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है? जैसे बेड़च, कोठहरी, खारी, मानसी, मोरेल, मासी, कालीसिंध, ये जो नदियां हैं ये बनास की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 443। राजस्थान में फीडर किस जगह समाप्त होती है? तो राजस्थान नहर है
उसकी फिटर कहाँ समाप्त होती है? राजस्थान में फिटर किस जगह समाप्त होती है? तो ये है मसीता वाली। मसीता वाली राजस्थान फिडर, जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर है, जो कि हरी के बेरा से मसीता वाली हनुमानगढ़ तक निकाला गया है, जिसका राजस्थान फिडर का मुख्य उद्देश्य था इंदिरा गांधी में पानी पहुंचाना। यह था इस फिडर का जो मसीता वाली से में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 444। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बरसात होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो ये बता दिया था, पहले बालोतरा में आती है। अगला प्रश्न 445। राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो सांभर, जिसमें 8.7% नमक भारत का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेड़स नदी का दूसरा नाम है? तो बेड़स नदी का दूसरा नाम आयड नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, नक्की झील कहाँ स्थित? तो ये नक्की झील माउंट आबू शिरोही में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 448। राजस्थान में छपनिया काल किस वर्ष पड़ा था? तो ये 1956 में पड़ा था, विक्रम संवत 1956 सन पूछे तो 1900। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो चंबल मिलती है, चंबल नदी डायरेक्ट यमुना में जाती है। इसमें और बाकी सहायक नदियां भी मिलती रहती हैं, लेकिन चंबल नदी यमुना नदी में जाती है। अगला प्रश्न है, बिसलपुर किस जिले में स्थित है? तो बिसलपुर टोंक जिले में है, यहीं पर बिसलपुर बांध बना हुआ है जो जयपुर और अजमेर को पेयजल आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 451। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमदौर की फाड़ी से निकलने वाली नदी है, जो बनास नदी है, जो बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जान जाते हैं। ये पूर्ण रूप से बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। बनास नदी पर टोंक जिले में बिसलपुर बांध बना हुआ है, जो बिसलपुर जो राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बताया था ना, जयपुर और अजमेर को दोनों को पानी जाता है इसे। तो ये थे दोस्तों आज के लिए कुछ प्रश्न। मैं उम्मीद करूँगा ये आगे के प्रश्न और आपको बनाकर दूँ विश्लेषण के साथ, ताकि इन्हीं प्रश्नों के साथ कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मिलता जाए, जिससे हमारा ये जो नदी और बांध का जो टॉपिक है वो लगभग क्लियर हो जाए यहीं पर। तो उसके जो कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं वो आपको फिर मैं अगले वीडियो में आप तक पहुँचा दूँगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? सब बार बार कहते हैं कैसी लगी, तो लाइक करो और इसको सब्सक्राइब करो, तो मैं बार बार ये लपड़ा नहीं पालूँगा मैं। आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, और बेकार लगी तो नो लाइक कर देना, और अगर अच्छी लग रही है तो फिर सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको और वीडियो मिल जाए, और वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। ये हर व्यक्ति बार बार कहता है, लेकिन ये शोभा नहीं देता। आप सब समझदार हो। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।